फुल्ली ब्लैक कलर आ गई या जैसा डिमांड कर रहे थे कि भाई स्विचेबल एबीएस मिलेगा आपको, मना ये बहुत रिस्की भी होता है, आपका सस्पेंशन टूटने का भी डर होता है इसमें। यहाँ पे आपको फैन दिख रहा होगा एक, और भाई इसमें ब्लूटूथ कैन विट में नेविगेशन भी आपको सुन। तो दोस्तों फाइनली आज आप देख सकते हो यहाँ पे प्रस्तुत हो गई हमारी KTM RC 200, वो भी ब्रांड न्यू कलर के साथ। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं फीचर्स एंड कलर, दिखाते हैं आपको कलर कैसा है। तो गाइस फुल्ली ब्लैक कलर आ गई या जैसा डिमांड कर रहे थे कि भाई पूरा ब्लैक में आना चाहिए, पूरा ब्लैक में आया है। ग्लॉसी फिनिश है आपका, पूरा ब्लैक आया है। साथ ही साथ स्टिकरिंग देख सकते हो व्हाइट में आई है RC 200 की, और ऑरेंज में भी आपको स्टिकरिंग थोड़ा सा देखने को मिलेगा, रेडी टू रेस आपको मिल जाएगा। भाई ये प्यारा कलर लग रहा है। और साथ ही साथ टैंक पे आइएगा ना, टैंक पे आपको पूरा ब्लैक दिखेगा, डार्क ब्लैक, इसको थोड़ा सा कम ब्लैक बोल सकते हैं, थोड़ा सिल्वर टाइप का लगेगा मगर ये पूरा डार्क ब्लैक लगेगा। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैट फिनिश रहेगा आपका, मैट फिनिश। यहाँ पे आइएगा ना तो सेम कलर आपको यहाँ पे मिलेगा, ग्लॉसी में ब्लैक में, ये डार्क ब्लैक आपका हो गया। साथ ही साथ चेंजेस जो आती थी आपकी ऑरेंज में, एकदम ऑरेंज है ही, मगर आप इधर आइएगा अलॉय व्हील के तरफ, तो अलॉय व्हील के तरफ आप देखोगे ना गाइस फुल्ली ब्लैक आता है आपका। दोनों तरफ दिखा देता हूं मैं, दोनों तरफ आपको फुल्ली ब्लैक ऑरेंज कलर में नहीं मिलेंगे, नया कलर आया है RC 200 का ये। और ये वाइजर आप देख रहे हो ना, ये पहले से और कर्व हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हो ये भी ब्लैक में आया है। पूरा KTM ने फुल्ली ब्लैक कलर निकाला है भाई, बहुत प्यारा और तगड़ा कलर लग रहा है। और प्राइसिंग भी नया आया है, सब चीज बताने वाले हैं। लाइटनिंग सेटअप की बात करें गाइस, तो आप लाइटनिंग सेटअप देख सकते हो, DRLs आपको यहां मिलते हैं, इधर भी आपको DRLs मिल रहा होगा, LED लाइट्स आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ आपको इंडिकेटर मिलता है वो भी LED में, मगर इसमें आपको हेजार्ड का फीचर ऑफर नहीं कर रही है KTM कंपनी। तो भाई टायर सेक्शन आप देख सकते हो 110x70-17 इंच का आपको अलॉय व्हील मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आइएगा ना तो ये चीज देखिए, थोड़ा गंदा हो गया गाइस, ये देखिएगा ना, ये एकदम आपको मैट ब्लैक में मिलता है, ये ग्लॉसी नहीं है कलर, यहाँ आपको मैट ब्लैक मिलता है। WPFX के अपसाइड डाउन सस्पेंशन आपको USD मिलती है, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर आपको उधर मिलेगा। और भाई डिस्क का जो डायमीटर है ना भाई, ये आपको मिलेगा 320 mm का। वाइबियर के कैलिपियर्स मिलते हैं, डुअल चैनल ABS मिलता है, सुपर मोटो ABS मिलता है इसमें, स्विचेबल ABS मिलेगा आपको। और पीछे की लाइट एकदम सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, जैसे आती थी वैसी है। इंडिकेटर भी सेम वैसे ही आपको मिलेंगे LED में, जो KTM में आती है टिपिकल। और भाई नंबर प्लेट लाइट आपको LED में मिलेगी, सब चीज LED में भाई। रिफ्लेक्टर आपको एक यहाँ मिल जाता है, और भाई ये आपका मड लैंप हो गया, आप जैसा देख सकते हो, अगर आप चाहे तो इसको हटा सकते हो भाई। तो गाइस टायर सेक्शन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 150x60-17 इंच का अलॉय व्हील मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मैंने आपको बता दिया था। डिस्क डायमीटर आपको 230 mm का मिलेगा। वाइबियर के कैलिपियर्स आपको मिल जाते हैं, और भाई WPFX आपको मोनोशॉक सस्पेंशन भी मिल जाते हैं, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, मगर अपने से मत करना, कंपनी से करवाना, वरना ये बहुत रिस्की भी होता है, आपका सस्पेंशन टूटने का भी डर होता है इसमें। बात करते हैं दोस्तों हार्ट ऑफ द बाइक इंजन के बारे में, भाई इंजन कैसा है। इंजन आपको 199.5 cc का इंजन प्रोड्यूस करती है, और साथ ही साथ सिंगल सिलेंडर आपको लिक्विड कूल इंजन मिलता है वन फैन के साथ। एक बार इधर से मैं आपको फैन दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको फैन दिख रहा होगा, एक फैन के साथ आती है। और भाई 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, 1 down 5 up। पावर की बात करें तो 24 PS की इसमें पावर मिलती है, और 19 Nm का आपको इसमें टॉर्क देखने को मिलता है गाइस। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें गाइस, 158 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जो काफी कम है, थोड़ा सा ज्यादा रहना चाहिए था, 160 या 170 रहना चाहिए था, मगर ये स्पोर्ट बाइक है जैसा आप जानते हो, इसमें कमी रहेगा। गाड़ी की ओवरऑल वेट आपको 160 kg की देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल में गाइस, उससे पहले मैं आपको टैंक दिखाने वाला हूँ, कितना लीटर का आपको टैंक मिलता है वो पहले आप देख लो। E20 आपको इसमें आता है, E20 फ्यूल आप भरा सकते हो। 13.7 लीटर का आपको इसमें टैंक मिलता है गाइस। पहले भाई की देख लो, कैसा की मिलेगा आपको, सेम टिपिकल की मिलता है, और इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपका एकदम सेम रहने वाला है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। इस पे एक डिटेल वीडियो मेरा पहले से बन चुका है, आप चाहे तो देख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से अपना कंट्रोल कर सकते हो। इसमें सब स्विचेबल ABS आता है आपका, और भाई इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आती है, और इसमें नेविगेशन भी आपको शो नहीं करेंगे, बस आप ABS वगैरह आप अपना ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सेट कर सकते हो इससे। बाकी आपका यहाँ पे फ्यूल बताएगी, यहाँ पे आपको टॉप स्पीड बताएगी, अपना RPM मीटर हो गया, आपको गियर इंडिकेटर बता देगी, यहाँ पे ट्रिप आपका हो गया, ओडोमीटर आपका हो गया, आप यहाँ से सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए Trip 1 आपका, Trip 2 ABS आपको बता देगा, इन्फो आपको बता देगा। स्विच में भाई आपको यहाँ पे पासिंग स्विच, अपर डिपर आपको मिल जाता है, इंडिकेटर मिल जाते हैं, ऑन मिल जाता है, हिल स्विच मिल जाता है, इग्निशन स्टार्ट स्विच आपको यही मिल जाएगा, मगर इसमें हेजार्ड नहीं मिलता है। क्लिप ऑन हैंडल बार आपको देखने को मिलता है, जिसको आप एग्जैक्ट अपने अकॉर्डिंग इसको सेट नहीं कर सकते या कर सकते हो, प्लीज कमेंट में बताना, इसके बारे में मुझे एक्यूरेट नहीं मालूम है। RC 200 का क्या ऑन रोड प्राइस चल रहा है, वो भी न्यू कलर का, सर ये बताइए। इसका ऑन रोड प्राइस है 255,946। 255,946 सर, एक ही वेरियंट आती है क्या? वेरियंट एक ही आती है, लेकिन इसका कलर अलग अलग है, इसमें 2-3 कलर है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते रहेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।